और अब मोबाइल रिपोर्टर में बात करते हैं दिल्ली के ज्योति कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप नीम टीम की कहानी की, जो नीम के पौधे लगाते हैं। मैं इस पार्क में आता था तो ये पार्क एकदम विरान और उजाड़ पड़ा हुआ था, तो इस पार्क की ऐसी दशा देख करके मैंने ये प्रण किया कि मुझे इस पार्क को बिल्कुल हरा भरा बनाना है। एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया और वह ग्रुप आज उसका नाम हमने नीम टीम रखा और वह इतना अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है कि हमें कोई भी संडे को एक्टिविटी करनी होती है, हम उसके बारे में पहले योजना बनाते हैं और एक दूसरे में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इतने अच्छे तरीके से कार्य को करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हम मेन रोड पे भी पौधे लगाते हैं और वहाँ को पानी देते हैं और उनकी भी वहाँ की सफाई करते हैं। की टीम ने, नीम टीम ने जब से यहाँ इसका साफ सफाई का जिम्मा उठाया है और पेड़ पौधे लगाए हैं, जब से यहाँ पे इसकी हवा में बहुत परिवर्तन है, तब से हम काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, और अब मैं भी इनके साथ लग गया हूँ। सबसे प्रेरणादायी बात यह है कि राष्ट्रीय पर्वों पर, धार्मिक पर्वों पर या अपने सदस्यों के जन्मदिन पर ये नीम के पौधे लगाते हैं, खुद भी प्रेरित हैं और औरों को भी प्रेरित करते हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, हरित भारत। आपका सोशल मीडिया ग्रुप भी अपने मदद या पॉजिटिव बदलाव की कहानी हम तक पहुंचा सकता है। आप znews.com/mobilereporter वेब पेज पर लॉगिन कीजिए या फिर znews ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी डिटेल्स भरकर अपने ग्रुप की मदद की कहानी हम तक पहुंचाइए। हम उस कहानी की तस्दीक करेंगे और इसे बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे।